किड्स वी हैव टू डू ऑल ऑफ आवर वर्क ऑन टाइम. टाइमली हमें सारा काम फिनिश करना चाहिए, टाइमली उठना चाहिए, टाइमली खाना खाना चाहिए, टाइमली स्टडी करनी चाहिए और टाइमली ही स्लीपिंग करनी चाहिए. आप सब सोच रहे होंगे कि मैम आज ऐसी बातें क्यों कर रही है, है ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो किड्स, कैसे हो आप सर? ठीक हो सर? यस, यू हैव टू से आई एम फाइन, थैंक यू. किड्स, आज मैं आपको एक मॉरल स्टोरी बताने जा रही हूँ. बेटा वो हमारी क्लास के एक स्टूडेंट की है, ओके, जिसका नेम है शिवाय. जैसे कि आपको पता है कि COVID-19 के कारण स्कूल्स अभी ओपन नहीं हुए हैं, मैम ऑनलाइन क्लास लेते हैं आपकी. जब भी मैम ऑनलाइन क्लास लगाते हैं बेटा, वो शैतानी करने लगता है. लुक एट हिम, देखो वो पेंसिल के साथ प्लेइंग कर रहा है. बेटा वो मम्मा का कहना नहीं मानता. जब भी मैम क्लास लगाते हैं वो इधर उधर भागने लगता है. वो होमवर्क भी कंप्लीट नहीं करता. बाकी सब बच्चे, सब स्टूडेंट्स मैम को होमवर्क शो करते हैं. देखो बच्चे, सबने मुझे होमवर्क शो किया है. वेरी गुड, इतनी अच्छी एक्टिविटी एंड इतनी अच्छी कलरिंग की है सबने. वेल डन, वेरी गुड. सभी किड्स ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, है ना. वेल डन बेटा, वेरी गुड एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर पिक्स विद मी. बेटा बहुत अच्छा वर्क किया है आपने. शिवाय को देखो, उसने तो क्लास लगाई ही नहीं है, वो तो मोबाइल देख रहा है घर पर. ये फिर मैम ने नोटिस डाला नोटबुक चेकिंग का आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, है ना. और सभी बच्चों के पेरेंट्स मैम को नोटबुक्स सबमिट करवाने आए. ये सबका होमवर्क चेक किया बट शिवाय के पेरेंट्स नोटबुक सबमिट करवाने नहीं आए. तो फिर मैम ने शिवाय की मम्मा को कॉल लगाई कि क्या बात है, शिवाय की नोटबुक्स कंप्लीट नहीं है. तो उसकी मम्मा ने बताया कि शिवाय पढ़ता नहीं है घर पर, वो अपनी नोटबुक स्पॉइल करता है और अगर उसकी दीदी समझाती है उसे तो वो उसे भी मारता है. तो मैम ने शिवाय की मम्मा को बोला कि आप मेरी शिवाय से बात करवाइए. तो शिवाय बोला कि मैंने मैम से बात नहीं करनी, मैम मुझे डांटेंगे. पर मैम ने शिवाय से प्यार से बात की और शिवाय को समझाया कि बेटा हमें अपना हर एक वर्क टाइम पे करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका वर्क पेंडिंग रह जाएगा तो एक दिन आपका वर्क बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर बेटा आपको वर्क कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, आप थक जाओगे. इसीलिए हमें अपना वर्क रेगुलरली, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा वर्क रेगुलरली कंप्लीट करना चाहिए. और मैम ने बोला कि बेटा मैं रोज़ आपको वर्क देती हूँ, आप डेली बेटा थोड़ा थोड़ा वर्क अपनी मम्मा के पास बैठकर या जब मैं ऑनलाइन क्लास लगाती हूँ आपने मुझे शो करना है. बेटा ये बहुत बेस्ट आइडिया है अपना वर्क कंप्लीट करने का. तो जैसे कि आप टाइम पे खाना खाते हो, प्ले भी करते हो, है ना, तो जो हमारा स्कूल का वर्क है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, हमें उसको पेंडिंग नहीं रखना चाहिए. हमें अपना वर्क क्या करना चाहिए, टाइमली कंप्लीट करना चाहिए. और बेटा जब मैं नेक्स्ट टाइम नोटबुक चेकिंग के लिए आपको बुलाऊंगी तब आपने ज़रूर आना है और अपना वर्क कंप्लीट करके आना है, है ना. प्रॉमिस कीजिए मैम को. यस, वेरी गुड. देन शिवाय ने मैम से सॉरी बोला और बोला कि मैम यस मैम मैं अपना सारा वर्क टाइमली करूँगा, मम्मा को तंग नहीं करूँगा. शिवाय ने मैम की बात को मानकर क्लास भी लगानी शुरू कर दी और मम्मा के पास बैठकर अच्छा अच्छा वर्क भी करना स्टार्ट कर दिया. जब नेक्स्ट टाइम मैम ने नोटबुक चेकिंग के लिए बुलाया तो शिवाय ने सारा काम किया हुआ था. तो मैम बहुत हैप्पी हुए और उसकी मम्मा भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई और उन्होंने बताया कि शिवाय अब मेरे पास बैठकर सारा वर्क कंप्लीट करता है. जैसे कि शिवाय ने मैम का कहना माना और अपना वर्क टाइमली कंप्लीट किया, बेटा
वैसे ही मैम आपको भी बोलते हैं कि बेटा आपने शिवाय के जैसे गुड बॉय बनना है, गुड गर्ल बनना है और अपना सारा वर्क टाइमली कंप्लीट करना है। यस ओके किड्स, बाय बाय।